मेरा तो ये कहना है कि इनके छोटे बच्चे हैं 3, इन छोटे बच्चों की जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आर्थिक मदद करें, पहला हमारा यही कर्तव्य बनता है, जिससे इनकी पढ़ाई में, लालन पोषण में, इनकी आगे चल के इनकी पढ़ाई सही रूप से चल सके, इनमें सहयोग कर सके। तो हमारा तो एक बहन इनकी जो आर्थिक मदद करिए अपनी तरफ से, जो आपके सामने करिए, छोटी सी मदद है वो करिए। उसके अलावा जो ये सरकार की जो योजना है जी। सरकार की योजना है पालनहार योजना है, हमारी सरकार ने अच्छी चला रखी है, इन बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा इनको, और पीड़ित प्रतिकर योजना है उसका लाभ मिलेगा, और इसमें जैसे खाद्य सुरक्षा में नाम इनका नहीं है तो उसमें भी जुड़वाया जाएगा, उसका भी लाभ मिलेगा। और सरकार से जो और इन्होंने जो गांव वालों ने रखी है, अभी यहां पर जो कोई निर्माण कार्य की बात है, कोई कब्रिस्तान की बात है उसमें निर्माण कार्य की, उसमें जो लगेगा उसमें 8 लाख लगे, 10 लाख लगे, उसमें भी हम इनकी उसमें उसको भी कराएंगे हम इसका। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा आप सब मिलकर, सर्व समाज मिलकर सहयोग करें, और सर्व समाज में भाईचारा कायम रहना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ में भाईचारा कायम है, एजुकेशन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग नौकरियों में हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। तो बाहर के लोगों से मेरी यही गुजारिश है, यहाँ इन बच्चों को आर्थिक सहयोग करें और ज़्यादा वैसी राजनीति ना करें अपनी। ये है, धन्यवाद, शुभ नाम।